बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 27 एंड आवर टॉपिक इज़ गाइडेड राइटिंग। सो आज हम लोगों ने फूड ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में राइट करना है। उसके लिए आज की आपकी डायरी होगी वर्कबुक पेज नंबर 93 to 95। सो स्टार्ट करते हैं, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 93। फूड ग्रुप्स, आप देखें ये फूड ग्रुप्स हैं आपके पास। व्हाट आर द डिफरेंट फूड ग्रुप्स? अब देखिए फूड ग्रुप्स जो है हमारे पास कितने हैं अभी, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो हमारे पास फूड ग्रुप्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक जो फूड ग्रुप है वो हमारा होता है फ्रूट्स का, दूसरा होता है वेजिटेबल्स का, थर्ड वन जो है वो ग्रेन्स का होता है, फोर्थ वन वाला जो है वो प्रोटीन का होता है, और जो फिफ्थ वन है हमारे पास वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स का। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर बनाना है तो बनाना क्या है? बनाना जो है वो फ्रूट है। पास्ता है तो पास्ता आ जाएगा ग्रेन वाले फूड ग्रुप में, ये भी फ्रूट है हमारे पास और ये आ जाएगा हमारे पास फ्रूट वाले ग्रुप में। ये जो है कॉलीफ्लावर जो है हमारे पास ये आ जाएगा वेजिटेबल्स वाले ग्रुप में। आइसक्रीम जो है ये आ जाएगी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट जो है डेयरी वाले ग्रुप में आ जाएगी। उसके बाद फ़िश जो है ये हमारे पास प्रोटीन वाले ग्रुप में आ जाएगी। इसी तरह से आप लोगों ने बाकी भी सारे जो हैं हम लोगों ने देख लेने हैं, क्योंकि ये इन्हीं पांचों ग्रुप्स में से हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन और डेयरी ग्रुप में से। सो अब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन राइटिंग, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। फूड जो है, जो खुराक है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वी कॉन्ट गेट एनर्जी विदाउट फूड, हम जो हैं खुराक के बगैर बिल्कुल भी एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। वी कैन गेट प्रॉपर एनर्जी इफ़ वी फॉलो द फूड ग्रुप सिस्टम। क्या कह रहे हैं कि हमें जो है प्रॉपर एनर्जी जो है जो तवानाई है हमारी प्रॉपर वो तभी बहाल हो सकती है या जब हम लोग फॉलो करेंगे फूड ग्रुप सिस्टम को। वी शुड यूज़ इन आवर डेली रूटीन फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन। आप ये कह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों को अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर यूज़ करना चाहिए। किन किन को? फलों को, और जो है हमारे पास अनाज है, जो दूसरा है गंदम है, दालें वगैरह हैं उनको, वेजिटेबल्स सब्जियों को, एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन में हमारे पास आ जाती है फ़िश आ जाती है, स्पिनिच वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास प्रोटीन में आ जाती हैं। वी शुड ड्रिंक मिल्क एंड ईट फ्रूट इन ब्रेकफास्ट। अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों को नाश्ते में क्या खाना चाहिए? नाश्ते में हम लोगों को दूध पीना चाहिए और साथ हम लोगों को फ्रूट्स खाने चाहिए। एट लंच टाइम, और दोपहर के खाने में, वी शुड ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, हम लोगों को ताज़ी सब्जियां और जो है ग्रेन आ जाता है गंदम वगैरह में, तो चपाती आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को दोपहर में खानी चाहिए। एट नून वी शुड यूज़ बिस्किट्स और सम स्नैक्स, और जब दोपहर का टाइम आता है, थोड़ा दोपहर होती है, तो तब हम लोगों को बिस्किट्स जो है स्नैक्स वगैरह ये यूज़ करने चाहिए। एट नाइट, और रात के खाने में, वी शुड टेक सम राइस विद प्रोटीन लाइक फ़िश और एनी अदर मीट। अब के कह रहे हैं कि रात के खाने में हम लोगों को जो है वो चावल खाने चाहिए थोड़े से प्रोटीन के साथ, प्रोटीन आ जाता है लाइक फ़िश के साथ, हम लोगों को राइस यूज़ करने चाहिए या फिर कोई भी और अदर जो गोश्त होता है उसके साथ, ठीक है, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, हम लोगों को यूज़ करना चाहिए प्रोटीन के लिए। इन दिस वे वी कैन मेंटेन आवर डाइट एंड गेट प्रॉपर एनर्जी। इसी तरह से हम लोग जो हैं अपनी डाइट को मेंटेन रख पाएंगे और जो प्रॉपर एनर्जी है वो हम लोगों को हासिल हो जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है, इसको समझना है आप लोगों ने, सारे फूड ग्रुप्स को बारी बारी देखना है, और फिर जो ये आप लोगों के पास पिक्चर है इसमें से आप लोगों ने खुद फाइंड करना है कि कौन से जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप में मौजूद हैं, कौन से फूड ग्रुप्स में से हैं और कौन से जो हैं वो हमारे पास फ्रूट वाले ग्रुप्स में से हैं। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।